हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो आज इस वीडियो में हम सेवेंथ क्लास साइंस बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट को स्टडी करेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये तो आप सभी को पता है कि फूड सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पहले भी आप क्लास में पढ़ चुके हैं कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के यही कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स भी अपना जो फूड है वो अपने आप बनाते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ह्यूमंस प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर। सो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कितने उनके मोड्स होते हैं और कैसे प्लांट्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है। सो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी फूड जो लेता है अपनी बॉडी में और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें एनिमल्स, ह्यूमंस दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, सो वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। हेटरोट्रॉफिक में एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, और ह्यूमंस प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं? हेटरोट्रॉफिक, और प्लांट्स यूज करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पर ये सनफ्लावर का प्लांट है और ये सॉयल है। सो किसी भी प्लांट में उसकी जो फूड फैक्ट्री होती है, जहाँ पर सारा उसका फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, वो लीव्स होती हैं। लीव्स किस हर एक प्लांट की फूड फैक्ट्री कहलाती हैं। सो अगर सभी जो फूड है वो यहाँ प्रिपेयर होता है, तो सॉयल में जो भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो आपके लीव्स तक पहुँचने चाहिए। सो होता ये है कि सॉयल में जितने भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो स्टेम के वेसल्स में से होते हुए लीव्स तक पहुंचते हैं, और लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। वो स्टोमेटास क्या करते हैं कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं, एंड आपकी लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या हेल्प करता है? ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है। सो ये सब लीव्स में होता है। जो सॉयल में वाटर एंड मिनरल है वो वेसल्स की हेल्प से लीव्स में गए, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है, और जो लीव्स में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कोई भी प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो दूसरे मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते, नहीं प्रिपेयर कर सकते। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह के जो प्लांट हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। जैसे कि कास्काटा एक प्लांट है, पिक्चर प्लांट है, इन एग्जाम्पल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर का इतना पार्ट समझ में आया होगा और आप घर में इसको अच्छे से रीड भी करेंगे। थैंक यू सो मच।